हे क्यूरियस पीपल, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। आज का टॉपिक है मिथ्स, जो कि हम मानते तो चले आ रहे हैं पर उसे मानने के पीछे का कारण सच नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लू व्हेल, जो कि इस अर्थ की लार्जेस्ट मैमल है, वो क्या कार को निगल सकती है, तो आप कहोगे हाँ भाई बड़े आराम से, वो तो इतनी बड़ी है। और मैं कहूँगा नहीं, वो सिर्फ एक वाटरमेलन के साइज तक को ही निगल सकती है। और कुछ ऐसे ही टाइप के इंटरेस्टिंग मिथ्स जो कि आप आज भी मानते चले आ रहे हैं को बताऊंगा विथ लॉजिक। सो मैं हूँ क्यूरियो एंड लेट्स बस्ट द मिथ्स दैट वी स्टिल बिलीव। मिथ नंबर 5, कमेलियंस या गिरगिट पर एक बहुत बड़ी मिथ चली आ रही है कि गिरगिट अपना रंग अपने सराउंडिंग में कैमोफ्लेज या छलावरण करने के लिए बदलता है, पर वास्तव में तो वे अपने शरीर के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए या दूसरे गिरगिटों को संकेत देने के लिए रंग बदलता है। और यह मिथ तो मैंने कई किताबों में भी पढ़ा था जो कि गलत है। मिथ नंबर 4, हमें बचपन से यह कहा गया है कि गाजर खाने से हमारी आंखों की आईसाइट अच्छी हो जाती है, पर क्या आप जानते हैं कि गाजर मसल एट्रोफी को डिक्रीज करता है। मसल एट्रोफी यानी स्केलेटल मसल्स का लूज होना, जो कि मांसपेशियों की कमजोरी की ओर ले जाता है और विकलांगता का कारण बनता है, पर गाजर इसे हमारी आंखों में होने से बचाता है, ना कि हमारी आई साइट को इम्प्रूव करता है। मिथ नंबर 3, आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि हीरोज अपने दांतों से ही ग्रेनेड की पिन खोल देते हैं, पर वास्तव में ग्रेनेड की पिन को खोलने के लिए आपको बहुत ताकत की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप इसे अपने दांतों से खोलने की कोशिश भी करेंगे तो आपका दांत खराब या टूट भी सकता है और अंत में आपको उसे अपने हाथ से ही खोलना पड़ेगा। तो अच्छा होगा कि अगर आप कभी किसी ग्रेनेड की पिन खोले तो उसे हाथ से ही खोल ले। मिथ नंबर 2, तो क्या आपने भी कभी किसी मोटे भारी भरकम हाथी जैसे चलने वाले एक दोस्त को टोका है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाथी बिना शोर मचाए चलता है, मतलब हाथी के चलने से कोई आवाज नहीं होती है। तो अब अपने दोस्त के लिए नया नाम सोच लीजिए। अब बारी है मिथ नंबर 1 की। तो इस मजेदार मिथ के पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें। मिथ नंबर 1, मात्र सोचने भर से ही लगता है कि ब्लू व्हेल कितनी बड़ी है और वो कितनी ही बड़ी बड़ी चीजों को जैसे कार एसेट्रा को निगल सकती है, पर कहते हैं ना कि सिर्फ सोच ही काफी नहीं होती है। तो फैक्ट यह है कि ब्लू व्हेल का जो ईसोफेगस है या हिंदी में घेगा है, वो सिर्फ एक बास्केटबॉल के साइज का ही होता है। तो बेसिकली वो एक छोटे वाटरमेलन के साइज तक ही खा सकती है, पर एक वेल स्पीशी एक्सेप्शन है जो कि स्पर्म वेल है। वो तो आराम से किसी आदमी को खा सकती है क्योंकि उसके दांत बड़े बड़े और बहुत ही विशाल होते हैं। ध्यान रहे, पर ये स्पर्म वेल है, ब्लू वेल नहीं। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अभी और सब्सक्राइब कर लीजिए हमें इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और हाँ, हम हर हफ्ते ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, वंदे मातरम।